अपने दूध के लिए भी आ गए पीछे। लो भाई दूध के लिए खाओ और बढ़िया देसी बॉडी बनाओ। ये हाँ देसी बॉडी यहाँ देखना, डंबल के नीचे वाली साइड, नीचे वाली साइड देखना हमें डंबल के, ठीक है? तो हमें यहाँ तक ये लेके आओ। तो मम्मी मेडिसिन लेके आई है, मेरी जुकाम नहीं ठीक हो रहा था इसलिए मम्मी मेडिसिन लेके आई है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, राम राम सारे भैया ने, क्या हालचाल है, मजे कर रहे हैं ना सारे? लो भाई अपने दूध के लिए भी आ गए पीछे। लो भाई दूध के लिए खाओ और बढ़िया देसी बॉडी बनाओ। ये हाँ देसी बॉडी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इन्होंने तो नहीं करा होगा तो मैंने करा है, और बस ये हंसने लग जाते हैं। और बस अब इनके दूध के लिए लेने गई थी मैं, वो आ गए हैं। और बस मेरी तो एक्सरसाइज आज कल कंटिन्यू नहीं हो रही है। अरे अभी तो बताओ, चीट मील चल रही है डेली? चीट मील चल रही है बट इनकी चल रही है, मेरी नहीं। लेकिन वैसे एक बात है, देखो देसी घी का हलवा तो उसमें कोई ड्राई फ्रूट डले हुए हैं, ठीक है? तो अपना देसी खाना चल ही रहा है, तो अपनी डाइट में वैसे भी भाई हम तो खा ही लेते हैं। और एक चीज और, ये रात को भी सुबह खाओ, रात को भी ये हलवा खा के सो रहे हैं ये दो। अरे सुबह 4 बजे उठ के हलवा खाया था। हाँ? और क्या, सुबह खाया था? मैंने सोचा आपने रात को खाया लगता है। सुबह 4 बजे हलवा खाया, तो डाइट भी तो जरूरी है ना। बेसिक गाइस देखिए, सुबह 4 बजे खा रहे हैं ये, और देखिए मेरे हस्बैंड का टोला। क्या नंबर है डोले का आपका? अपनी देसी डाइट रखो, कुछ नहीं है इतना ज्यादा कि हाँ भाई ये नहीं खाना वो नहीं खाना, सब कुछ खाओ, सब कुछ खाओ और दबा के जिम मारो, कोई दिक्कत नहीं है। फैट बनता है, कुछ भी होता है अपना कार्डियो करो, डेली कार्डियो करो, अपना फैट भी खत्म होगा और वैसे भी। हाँ। तो अपना देख लो, हम तो अपनी देसी बना रहे हैं, बिल्कुल सब कुछ खा रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो भाइयों आज लगा रहे थे हम बाइसेप्स की एक्सरसाइज, उसमें हैमर, ठीक है? अब मैं बताता हूँ हैमर कैसे लगाते हैं। अब बहुत लोग क्या करते हैं, नॉर्मल ये लगाते हैं बस ये, ठीक है? ये नहीं लगाना हमें क्या करना, हमें ये ऊपर लेके आना, पर हमें यहाँ देखना डंबल के नीचे वाली साइड देखना हमें डंबल के, ठीक है? तो हमें यहाँ तक ये लेके आना, फिर वापस से नीचे, और पूरा नीचे नहीं, बस यहाँ पे रखो होल्ड करके, मसल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा एकदम और अच्छा पंप भी होएगा। और फिर वापस ऊपर लेके आओ यहाँ पे, और ये नीचे यहाँ तक, और ये यहाँ तक, ये होता प्रॉपर तरीका हैमर लगाने का, ठीक है? अब इसे तुम अंदर भी लगा सकते हो। इसमें से क्या होता है, तुम्हारा ब्रैकियलिस मसल वो ट्रेन होता है, ठीक है? कोई नहीं, ये इसमें ऐसे लगा सकते हो अंदर। तो इसमें क्या होता है, तुम्हारा पूरा यहाँ से ये पूरा ट्रेन होता है मसल, तो इसमें ये लगा सकते हो ऐसे, ये हैमर, इनर हैमर ये लगा सकते हो। तो इससे भी अच्छा पंप होगा, 4 आर्म्स भी, और एक छोटा सा मसल होता है ब्रैकियलिस जो मैंने बताया वो भी ट्रेन होगा। तो इसे ऐड कर सकते हो, हैमर जो मैंने बताया और दोबारा देख लो, ये आगे आगे रखना हाथ, और ये ऐसे लेके आना, ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना, ये लेके आना, ये हुआ हैमर ऐसे, और इसी में ही इनर हैमर ये अंदर, ये ऐसे और ये ऐसे, एल्बो एक जगह ऐसे नहीं कि ये कर रहे हैं। अब तुम इसे ऐसे लगाओगे तो ट्राइसेप्स आ जाएगा, नॉर्मल सीधे खड़े होना और ये लगाना, ठीक है? तो भाइयों ऐड करो इसे अपने वर्कआउट में, फिर देखना मसल क्या रहा। बस सो गाइस, मैं तो जिम से ऊपर आ गई हूँ, और आते आते इनकी और मेरी लड़ाई हो गई, और किसी चीज़ में लड़ाई हो गई, किस चीज़ में क्या, मैं इनकी वीडियो बना रही थी वो एक्सरसाइज की, और उन्होंने मुझे बताया नहीं कि पूरा हाथ नीचे तक दिखाना है। मुझे क्या पता पूरा हाथ दिखाना नहीं दिखाना, मुझे जितना इन्होंने बताया मैंने उतना बता दिखा दिया, और मुझसे कहने लगे कि मेरी हाथ तुमने नहीं लिया तो ये तो तुमने गलत बना दी, और गुस्सा करने लग गए मुझ पर। और फिर मैंने कहा कि यार मुझे थोड़ी बताया था आपने, ऐसा थोड़ी होता है।
फिर मुंह फुलाने बैठ गए और मुंह फुला के उधर जाके कोने में जाके खड़े हो गए मुंह फुला के, और खड़े तो हुए हुए अपने चावल थे इनके बॉइल्ड राइस वो खाने लग गए। और मैंने कहा ये क्या बात है, और मुझसे मुंह फुला लिया। मैंने कहा मुझे भी बात नहीं करनी, आप भी मत करो, मैं भी नहीं करती, मैं भी नहीं करूँगी, मैं आज ब्लॉगिंग नहीं करूँगी, खुद ही बनाएंगे, मैं तो नहीं करने वाली। ऐसा थोड़ी होता है कि आप मेरे पर गुस्सा कर दो, ऐसा थोड़ी होता है। बताओ गाइस ये सही बात है, ऐसे कोई गुस्सा करना चाहिए? वैसे ही मेरी तबीयत खराब हो रही है, ऊपर से मेरे ऊपर ऐसे गुस्सा कर दिया, ऐसा थोड़ी होता है। मैं इनके लिए वो केले फ्रूट ये सब कुछ लेके भी आई हूँ, उसके बाद ही मेरे पर गुस्सा कर दिया इन्होंने। मैं तो बात ही नहीं करूँगी आज इनसे सारा दिन, देखते हैं क्या कहते हैं। मैं पहले तो ये देखूँ मुझे मनाएंगे नहीं मनाएंगे, या फिर क्या पता मुझे इनको बनाना पड़ जाए। बट मैं तो इनसे बात नहीं करूँगी और ना मैं इनको मनाने वाली, क्योंकि ये मेरे ऊपर गुस्सा करे थे, मैंने इनके ऊपर गुस्सा नहीं करा था, वो भी बेफालतू में, पहले बताना चाहिए था। तो अब इन्होंने नहीं बताया तो इनकी फॉल्ट है, तो बस ये है। और गाइस एक चीज़ और दिखाती हूँ, मैंने आज इयर रिंग्स पहने, नहीं तो मैं पहनती नहीं हूँ, मैंने आज पहने। मेरी सास मम ने कहा कि भाई खाली कान और गला क्यों कर रखा है। तो एक्चुअली मैं बीच में गई थी लाजपत नगर, लाजपत नगर गई थी, वैसे तो वहाँ का माहौल सही है, बट फिर भी मैंने अपने गले का चैन और इयर रिंग्स उतार दी थी। तो फिर ये भी था कि तब से उतरी भी है ना मैंने पहनी, क्योंकि मुझे ऐसी कंफर्टेबल लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता ज़्यादा चूड़ी वूड़ी पहनना। मैं हाथ में बस कड़े पहन लेती हूँ और इस तरह से ज़्यादा मुझे पहनना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे स्किन में बहुत लगती है, स्किन में रिएक्शन थोड़ा सा वो इचिंग टाइप की होने लग जाती है इस चक्कर से। और फिर बस इसी चक्कर से मैंने पहना नहीं, बट आज मैंने पहन लिया तो सही है, छोटे छोटे से अच्छे लगते हैं। सो गाइस देखिए मेरी मम्मी आई है, जतिन जी की मम्मी। मम्मी बैठो, क्या लाए हो मम्मी? अच्छा, तो मम्मी दवाई लेके आई है मेरी जुकाम की, कल भी लेके आई थी उससे कुछ ठीक नहीं हुआ और आज दूसरी लेके आई है। तो बस मम्मी मेडिसिन लेने गई थी। और मम्मी कैसे, गर्मी कैसी हो रही है बाहर? बहुत गर्मी है, पसीने नहीं सूख रहे हैं, बाहर बहुत गर्मी हो रही है, पानी लाओ मम्मी। तो मम्मी मेडिसिन लेके आई है, मेरी जुकाम नहीं ठीक हो रहा था इसलिए मम्मी मेडिसिन लेके आई है मेरे लिए। अब आगे से ब्लॉगों में मम्मी दिखेंगी आपको सबको, दिखोगे ना मम्मा? ऐसी हंस रही है। दिखेंगे, जरूर दिखेंगे। हाँ, और उससे क्या बताया मैं मेडिसिन के बारे में? मैं तो बोल रहे कि वैसे तो ठीक है ना, लेकिन जो काम की मैं दे रहा हूँ इससे आराम आएगा। अच्छा, अभी ले लेना कुछ खाया? नहीं अब खाऊंगी, मैं खाने का मन ही नहीं कर रहा हूँ, उस वक्त खाया था दोपहर में, फिर अब मन ही नहीं कर रहा। तो फिर कोई नहीं, वो कह रहा है खा के कुछ फिर खाना है, ऐसे नहीं खाना, फिर गैस बना देगा। ठीक है। सो गाइस अब थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। सो गाइस ये देखिए मेरी मम्मी बैठी हैं, और मम्मी यूट्यूब चैनल वालों को फैमिली को हाय बोल दो आप। हाय। मम्मी थोड़ी शाय हो रही हैं क्योंकि पहली पहली बार स्क्रीन में आई है, कर रही है कैमरा फेस कर रही है इसलिए, मगर धीरे धीरे मम्मी की आदत हो जाएगी। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मम्मी को क्यों नहीं दिखा रहे हो, तो मम्मी लोग नीचे रहते हैं, हम लोगों को तो आना जाना हमारा ऊपर रहता है, बट यही है कि मैं नीचे जाती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, तो वही है कि साथ नहीं रहते ना, ऊपर नीचे रहते हैं तो इस चक्कर से वीडियो नहीं बन पाती है। अदरवाइज़ तो ऊपर हमारा सब एक ही फ्लोर हो तो एक साथ ही बन जाए, इस चक्कर से थोड़ा सा रहता है। अदरवाइज से अगली बार से मम्मी आएगी। दवाई जरूर खाती है। हाँ, दवाई मम्मी दवाई लेके आई है मेरे लिए, और बाकी तो सब कुछ मम्मी ने बताई थी कैसे कैसे खानी है। कल भी लेके आई थी मम्मी, मैंने आप लोगों को बताया था कि कल भी मम्मी दवाई लेके आई थी, मगर उससे इतना नहीं हुआ। आज मम्मी थोड़ी स्ट्रांग दवाई लेके आई है तो उससे जल्दी असर हो जाएगा, होपफुली ठीक ही हो जाऊंगी। अरे मेरी सासू माँ उसे करती इतना प्यार है कि कल फटाफट चली गई थी लेने, जब इनकी आई थी ऊपर इनको पता चला कि हाँ मेरी तबीयत खराब हो रही है, तो फटाफट लेने चली गई थी मेरे लिए दवाई। और जबकि अभी सब्जी लेने गई थी भी, उसके बाद दोबारा चली गई, मैं मना करती मत जाओ, बट मम्मी ने कहा नहीं मैं लेके आऊँगी, तो मेरे लेके आई। तो बस अब मम्मी भी ऐसी हंसी रहती है जैसे ये हंसते रहते हैं, जतिन जी जैसे हंसते ऐसे मम्मी भी ऐसी हंसती रहती है, तो बस दोनों माँ बेटे ऐसे ही हंसते रहते हैं, पूरे घर का माहौल ऐसे ही रहता है, हंसते हंसते रहते हैं। तो बस तो आप होपफुली अब कल से मम्मी आपको मम्मी को हम दिखाएंगे, मम्मी आएगी ब्लॉग में। और सो आज का ब्लॉग फिर हम मम्मी यहीं एंड करते हैं। ओके। तो
तो टिल देन आपसे कल मिलेंगे। सो जेके फिटनेस ब्लॉग को मम्मी बोलो, आज मम्मी बोलेगी जेके फिटनेस ब्लॉग को, जेके फिटनेस ब्लॉग को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करें और बहुत सारा प्यार दे, बहुत प्यार दे। ओके टिल देन बाय।